तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के। ओवरऑल मैं 30 क्वेश्चंस ले रहा हूं जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे आपके इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के कारण शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कि अगर आप अपना मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन करना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में आप कैसी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं जिनके माध्यम से आप वेब और पाइथन का अपना टेस्ट एक दे सकते हैं और आपको ये पता लग सकता है कि आप कितने पानी में हैं और आप अपना मूल्यांकन उसके माध्यम से कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका मूल्यांकन करने का जो मेथड है वो जो है मैं आपको एक बार स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे आपको उस लिंक को ओपन करना है, उसमें क्या क्या करना है और किस तरीके से आप अपना एक एग्जाम या एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और अपना वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, हु क्रिएटेड इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया था, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप किया था। सेकंड क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर द यूजर एंटर्स द इंटर इनटू गेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर इंटरनेट में प्रवेश करता है और जानकारी लेने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है, तो वेब ब्राउजर जो है इसका राइट आंसर होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी यानी एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट आता है, वेयर इज अ इलीगल कॉपिंग ऑफ द कॉपी रिटन सॉफ्टवेयर कॉल्ड, तो ये सॉफ्टवेयर प्राइवेसी का पायरेसी कहला जाता है, अगर आप किसी प्रतिलिखित सॉफ्टवेयर का अवैध प्रतिलिपि बनाते हैं या यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, UIDAI व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, VR का पूरा नाम क्या होता है या VR का अर्थ क्या होता है, तो वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इज द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल, इनमें कौन सी है जो नॉन वोलेटाइल है, तो रोम इसका राइट आंसर होगा, यानी सी हो जाएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर आपका क्वेश्चन में, द शॉर्टकट की इज टू सेलेक्ट ए रो ऑफ द सेलेक्टेड सेल इज इन ए सेपरेट शीट, अगर आप एक सेलेक्टेड रो के माध्यम से एक रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरी एंटायर रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिफ्ट स्पेस बार से आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है आपके स्प्रेडशीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD, तो HMD की अगर हम बात करें तो हेड माउंटेड डिस्प्ले आपका कहलाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टेप्स अवेलेबल इन मेल मर्ज, तो मेल मर्ज में कितने स्टेप्स पाए जाते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 6, क्योंकि 6 स्टेप्स पाए जाते हैं आपके मेल मर्ज के अंदर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6। एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड, ऐसे कंप्यूटर के भाग जिनको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हार्डवेयर। इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है उसको हम डिजिटल डेटा बोलते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल डेटा। नेक्स्ट आता है, विच की डिलीटेड द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड में अगर डिलीट करने की बात करें, देखिए इस बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड के कर्सर को डिलीट, करेक्टर को डिलीट करता है, जबकि डिलीट की जो होती है वो राइट साइड के करेक्टर को डिलीट करती है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल साइट, इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं, तो अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स साइट है, ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच शॉर्टकट की यूज टू न्यू डॉक्यूमेंट इन अ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में आप कौन से एक न्यू डॉक्यूमेंट को लेने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, तो ऑल्ट प्लस एफ इसकी शॉर्टकट हो जाएगी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द फॉर्मुला इन द लिब्रे ऑफिस दैट शोज 16% ऑफ A1 कंटेंट, तो A1 का 16% का फॉर्मुला होगा A1 into 16%, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। नेक्स्ट,
क्वेश्चन आता है विच फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, इनमें कौन सा हार्डवेयर का एग्जांपल नहीं है, तो बायोस जो होता है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, इस पर इनमें से किसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है यानी बैंक लेता है, तो लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ बैंक चार्जेस करता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, इनमें कौन सा बैंक अकाउंट नहीं है, तो चिट फंड अकाउंट जो होता है वो बैंक अकाउंट नहीं होता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट भी होता है, सेविंग भी होता है और रिकरिंग डिपॉजिट भी आपका एक अकाउंट पाया जाता है, जिसको हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका व्हाट इज द वर्ड दैट यूजली अपेयर अंडरलाइन ऑन द वेब पेज, तो ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसके नीचे अंडरलाइन रिप्रेजेंट होती है, तो ये हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक के नीचे हमेशा एक अंडरलाइन होती है और ये हमेशा डिफरेंट कलर में होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवाइस इन ए कंप्यूटर माउस, एक कंप्यूटर माउस के अंदर कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पॉइंटिंग माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका ऑर्गेनाइज ग्राफिकल एज डेटा इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में अगर आप ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं तो वो चार्ट्स एंड डायग्राम्स कहलाता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर रहे हैं किसी डेटा की तो चार्ट एंड डायग्राम्स कहलाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुपर कंप्यूटर यूजेस पैरेलल प्रोसेसर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है पैरेलल प्रोसेसर को यूज करते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजर नेम एंड डोमेन नेम्स आर सेपरेटेड बाय एट द रेट, तो सही बात है, यूजर नेम और डोमेन नेम जो है वो एट द रेट सिंबल के द्वारा सेपरेट किया जाता है, उसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा ए। नेक्स्ट द फुल मीनिंग ऑफ अ बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कोड, तो बिल्कुल गलत है ये, फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसका राइट आंसर, इसलिए ये फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन अ इंटरनेट कॉल, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है आपका, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से तो ई कॉमर्स कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर यूजर्स हु आर नॉट बिजनेस पीपल समटाइम्स कॉल्ड देम, तो इनको एंड यूजर कहा जाता है, जो बिजनेस पीपल में काउंटेबल नहीं होते हैं तो वो एंड यूजर कहलाते हैं, अंत में यूज करने वाले व्यक्ति, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड, तो फर्स्ट पेज कहलाता है आपका होम पेज, क्योंकि जो वेबसाइट का पहला पेज खुलता है वही होम पेज कहलाता है, द राइट आंसर सी, होम पेज का जो पहला पेज होता है वो फर्स्ट पेज कहलाता है। ब्लॉकचेन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिकॉर्ड विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है आपका, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट द कंप्यूटर होस्टिंग योर ईमेल अकाउंट्स इज कॉल्ड, तो ये ईमेल सर्वर कहलाता है, जो आपके ईमेल अकाउंट को होल्ड करता है वो ईमेल सर्वर कहलाता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इनको देखकर एक बार कैरी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ डील कर रहे थे तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने मार्क्स गेन किए। इसके बाद हम बात करते हैं, इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद हम बात करते हैं आपके उन मेन क्वेश्चंस के बारे में कि आप उनके माध्यम से कैसे टेस्ट दे सकते हैं। तो यहां पर वेब और पाइथन के 20 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं वहां पर। और सबसे पहले इस लिंक को, जो लिंक है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वेब पेज खुल के आ जाएगा, गूगल क्रोम में इसको यूटिलाइज करिएगा तो ज्यादा बेटर, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा पेज खुल के आएगा। अगर वेब डिजाइनिंग का आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से खुल के आएगा, और इसी के साथ मैं लिंक यहां पर कॉपी करके आपको दिखा देता हूं, मैंने यहां से पाइथन का भी लिंक क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है, ये पाइथन का लिंक है, उसको भी मैं एक नए टैब पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा ये लिंक ओपन होगा। तो यहाँ से मैंने एक नया टैब ओपन किया है और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है, एंटर किया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पाइथन का जो पेपर है वो आपके पास टेस्ट जो है वो सामने आ जाएगा, और क्योंकि मैं इसको डील कर चुका हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ चुका है, मगर आपको जो आएगा वो इस तरीके का लुक देगा, वेब डिजाइनिंग की तरह लुक देगा। और यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही कुछ डिटेल्स आपसे डिमांड करेगा, वो डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी होंगी। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स आप अपने नेम और फादर्स नेम और मोबाइल नंबर को सही तरीके से टाइप करिएगा, कभी मुझे अगर जरूरत पड़ती तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहूं तो आराम से कर सकूं, तो सारी डिटेल जो होगी वो प्रॉपर मैनर में और सही तरीके से आप फिलअप करिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन नंबर वो टाइप करिएगा, और आप कौन सी सिटी और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो मुझे दीजिएगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक कोड मांगेगा, हो सकता है पासवर्ड वर्ड डिमांड करेगा, अगर पासवर्ड डिमांड करता तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दोनों पेपर को पासवर्ड लिखा हुआ है, अगर आपके वेब का पास वेब के लिए आता है तो वेब 01 आएगा,
और अगर पाइथन के लिए आता है तो पी वाई टी कैपिटल में होगा, 01 होगा, यानी जब अगर आपसे पासवर्ड डिमांड करता है तो आपको ये पासवर्ड टाइप करके लॉग इन कर लेना है। तो ये टेस्ट मॉक टेस्ट की तरह आप दीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आखिर आपने वेब में कितने मार्क्स गेन किए और पाइथन में मार्क्स कितने गेन किए। आशा करता हूँ वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हो, क्योंकि ऐसे टेस्ट हर बंदा देना चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।